फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अभी बभी बताया ऑटो मींस अपने आप, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो अपने आप हो जाए, अपने आप कोई ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करे, उसको क्या कहते हैं बिट्टू? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इट इज परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की हेल्प से परफॉर्म होता है। फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस फॉर्मेशन। देखो बिट्टू, लाइट की हेल्प से फॉर्म करना खाने को, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। यानी बच्चों देखो, बचपन से पढ़ा हुआ वर्ड है फोटोसिंथेसिस, याद होता है सबको कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किसकी हेल्प से होता है? फोटोसिंथेसिस की हेल्प से होता है। नेक्स्ट इज द रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये भी बच्चा पता है, आई एम रिपीटिंग इट फॉर योर सेक, बट इसको ना आप ऐसे कहते हो कि तो प्री क्लास में पढ़ा हुआ टॉपिक है कि दो रॉ मटेरियल होते हैं, वन इज द कार्बन डाइऑक्साइड, अनदर वन इज द वॉटर। देखो बच्चा, इससे किसकी फॉर्मेशन होती है? इससे ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्मेशन होती है, विच आर यूटिलाइज्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। एक्स्ट्रा जो कार्बोहाइड्रेट होता है बच्चा, दैट इज द ग्लूकोज। समझो बच्चा, हमने जो भी कार्बोहाइड्रेट्स बना हमारी प्लांट्स की बॉडी में, उसको ग्लूकोज की फॉर्म में बना। और हम लोग, हमारी बॉडी में भी जो भैया फाइनली जो बनता है प्रोडक्ट, वो ग्लूकोज होता है। एंड दैट इज फॉर्म्ड इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। देखो बच्चा, स्टार्च STARCH प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन एनिमल्स में। एक बार रिपीट कर रही हूं, स्टार्च इसके अंदर बिट्टू प्लांट्स में, और ग्लाइकोजन किसके अंदर? एनिमल्स में। अब एक बार इस रिएक्शन को देखेंगे। 6CO2 प्लस 12H2O, 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O बनाता है। मतलब 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बनाता है। और बेटा, आज का एक छोटा सा काम है, दैट यू हैव टू राइट दिस रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेन टाइम्स। ये क्वाम मेरे पास आ जाना चाहिए व्हाट्सएप पे, तभी आगे की वीडियोस फॉरवर्ड होंगी, कि आप 6 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। देखो बच्चे, किसी को लगे मैम मेरा तो यहां तक लिखते लिखते लाइन ही खत्म हो गई, तो ये वाटर इधर नहीं लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा। आपके प्रोडक्ट्स इस साइड होंगे, रिएक्टेंट्स इस साइड होंगे। मेक श्योर कि आप इसी तरीके से काम करें।